वेलकम टू आवर चैनल. आई एम प्रशंसा एंड आई एम प्रणवी और हम हैं जादव सिस्टर्स. तो आज हम करने वाला एक न्यू वीडियो जो कि है गेस द इमोजी चैलेंज. तो गाइस आज हम करने वाले हैं गेस द इमोजी चैलेंज, यानी हमें स्टिकर्स को पहचानना होगा और हमें बताना होगा. ये कुछ रिडल जैसा ही है, तो उस रिडल्स का हमें आंसर करना होगा. सो गाइस बिफोर वी बिगिन, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा. So without wasting much time, let's get started. और guys आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. और guys अब हम जल्दी से शुरू करते हैं. तो यहाँ पर हमें एक डिवाइस मिला हुआ है और उसमें से यहाँ पर हमें 3 राउंड्स है और एक राउंड पे हमें 4 रिडल्स है और उस रिडल्स का हमें आंसर करना होगा. तो पहला यहाँ पर है गेस द फ्रूट. टॉपिक इज गेस द फ्रूट एंड यानी इस पे 3 राउंड होने वाला है. तो 3 राउंड में हमें एक एक राउंड में 4 रिडल्स मिलेगा. तो हम यहाँ पर गेस द फ्रूट को स्टार्ट करते हैं. तो ये ओ एंड एक मैन है रन करते हुए और जी है. तो क्या फ्रूट होता है रन? ओ और रन और जी है ना. हाँ तो ऑरेंज. हाँ ऑरेंज. तो ओके ओके नाउ नेक्स्ट. सही जवाब भी ऑरेंज ही है. और अब हम जैसे चलते हैं नेक्स्ट पे. तो यहाँ पर हमें मिला हुआ है पीस एंड सी हेच. तो यानी खाने वाला पी होता है ना. पीस पीस. तो पीस प्लस सी हेच मिला. तो पीस तो फ्री पीच पीच पीच. हाँ पीच तो एक फ्रूट है. हाँ उन्होंने सी हेच भी दिया यानी पी सी हेच पीच. ओके नाउ नेक्स्ट. तो पी प्लस आई प्लस एन प्लस एप्पल यानी तो इसको क्या होता है? पाइन एप्पल. तो हमें मिल गया इसमें, बहुत इजी है. हाँ पाइन एप्पल. एंड नेक्स्ट चेयर प्लस ई आर वाई तो चेरी, क्योंकि चेयर और ई आर वाई तो चेरी. और नेक्स्ट हमें यहाँ पर गेस द चॉकलेट है. नेक्स्ट नेक्स्ट राउंड. वाओ गेस द चॉकलेट्स. मुझे चॉकलेट्स का इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पता है. और नेक्स्ट अब हम जल्दी से शुरू करते हैं कि ये क्या है. फर्स्ट है तो हमें 5 प्लस स्टार मिला. तो 5 स्टार बहुत आसान क्वेश्चन था, देख के ही पता चल गया 5 स्टार. ओके नेक्स्ट एक सांप है. सांप एंड ई आर एस स्नेक प्लस ई आर एस तो स्निकर्स. हाँ स्निकर्स. ओके नेक्स्ट ये क्या है? डॉट दिया हुआ है. हाँ ऐसा डॉट प्लस एप्पल बट इट्स नॉट एप्पल. एप्पल का पिक्चर दिया और नॉट एप्पल. वो एक सेंटर होता है और सेंटर में है और एप्पल है और नॉट एप्पल है तो सेंटर फ्रूट. वो फ्रूट है ना, यानी वो सेंटर फ्रूट. सेंटर फ्रूट. ओके तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट एक बुक दिया हुआ है और प्लस मिल्क. मिल्क दिया हुआ है और नेक्स्ट इज इक्वल टू है. तो आगे ये बुक मिल्क बुक बुक तो नहीं होता. हाँ ये डायरी. डायरी डायरी मिल्क. वाओ डायरी मिल्क तो मेरा फेवरेट चॉकलेट है. वाओ मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लगा. ये मेरा वाला फेवरेट रिडल है और मेरा फेवरेट चॉकलेट भी डायरी मिल्क. ओके गाइस अब हम जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट पे. तो यहाँ पर नेक्स्ट राउंड पे गेस द कार्टून. सो गेस द कार्टून में हमारे पास माइक दिया हुआ है और प्लस की दिया हुआ है और माइस है या माउस. माउस माउस या माइस मुझे कंफ्यूज आ रहा है. अगर माउस होता तो मुझे आ गया. तो
आई विल टेक मिक्की माउस. देखते हैं, हमें दोनों को नहीं पता कि माइस है या माउस, तो देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या है. मिक्की माउस. ओके, नेक्स्ट से पता चल गया, पर वो माउस से ही माउस. ओके नेक्स्ट, एक डोर है, डोर और ए दिया हुआ है, तो डोरा. डोरा, इट्स डोरा. ओके 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 नेक्स्ट. ये बहुत आसान है. कार्टून्स में मुझे बहुत इंफॉर्मेशन पता है. और अब हम देखते हैं, ये भी डोर प्लस ए तो डोरा, पर मॉन डोरेमोन. डोरेमोन मेरा फेवरेट है. मेरा भी. और नेक्स्ट, ये लास्ट है. उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट जैसा दिया है. मैंने तो ये नाम आई मीन इसका कभी नहीं देखा, स्टिकर्स नहीं देखा ऐसा. ये क्या है, कार्टून देखा या पोकी एंड एक चेहरा है, एक मैन का चेहरा, तो पोकेमोन. हाँ, मैंने सोचा कि पोके फेस, पर ये पोकेमोन है. और इस से हमारा चैलेंज यहाँ पर फिनिश हो जाएगा. तो गाइस, इसमें हमें बहुत बहुत ज्यादा मजा आया. और गाइस, आपको भी मजा आया तो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, जल्दी से कर दो. हाँ. और जल्दी जल्दी से इस वीडियो को लाइक भी कर दो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.